राधे न गोपाला भजराधे कृष्ण गोपाला भजराधे कृष्ण गोपाला भजराधे कृष्ण गोपाला जय श्री राधे। वस्तुतः फांसी क्या है? जीव की वासना। ये वासना ही जीव को ले जाती है, विकर्म कराती है, पाप कराती है, चोरी छल ये सब मनुष्य वासना के पीछे करता है। इसलिए वासना के कारण ही मनुष्य सब कुछ छोड़ देता है, माता पिता भाई बंधु सब। ये वासना, इसको तोड़ने की शक्ति सब में नहीं होती है। इस वासना को का जो अंधकार है, फांसी है, ये जीव तोड़ सकता है जब उसको किसी संत का आश्रय मिल जाए तो, अन्यथा असंभव है। गलत संग है तो नहीं, कभी भी किसी में सामर्थ्य न थी न है न होगी। शुद्ध संग मिल जाए अगर कहीं, जो कि बड़ा कठिन है आज के युग में। जो वासनाएं हैं, मैथुनी वासनाएं, ये जीव को इतना घेर लेती हैं कि किसी भी जीव की बुद्धि भगवान में नहीं लग सकती। ये भोग की वासनाएं इतनी प्रबल होती हैं, उखाड़ पठाड़ करके पटक डालती हैं। ये स्वयं भगवान ने भी कहा है इस बात को, 2:44 में, भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहित चेतसाम दिवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य, भगवान ने कहा ये दो वासनाएं कभी भी जीव को भगवान की तरफ बढ़ने नहीं देंगी। बढ़ गया तो पटक के डाल देंगी। साधु बन जाए, संत बन जाए, महंत बन जाए, आचार्य बन जाए, गोस्वामी बन जाए, व्यास बन जाए, कुछ बन जाए। 2:44, भोग और ऐश्वर्य दो चीजें हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, प्रथम है भोग और ऐश्वर्य, इसमें प्रसक्त जिसमें मन फंस गया। ये दोनों वासनाएं मनुष्य के चित्त को खींच देती हैं, हरण कर लेती हैं, डाका डालती हैं। और जीव की व्यवसायत्यात्मिका यानी निश्चयात्मिका बुद्धि समाधि मन या भगवान है, कभी भी नहीं लगेगी। वो लगने का ढोंग करेगा, स्वांग करेगा, लेकिन तिकड़म सोचता है कैसे पैसा आवे, कैसे भोग आवे। यही एक चीज है जीव को आगे बढ़ने में रोकती है। यही बात प्रहलाद जी ने कहा, चैलेंज किया, निर्णय किया, फैसला दिया 7:05:30 में कि मतिर नहीं लगेगी बुद्धि, नहीं लगेगी, तुम ऊपर से करते रहो जब तब पाठ पूजा, लेकिन भीतर से तुम्हारी बुद्धि चिंतन गलत करती रहेगी। मतिर न कृष्णे, कृष्ण में बुद्धि लगेगी ही नहीं। चाहे परतः किसी के पास बैठो, चाहे स्वतः साधन करो, न दूसरे के सत्संग से असर होगा, न खुद के साधन से होगा। चिंतन चलता रहेगा भोग का, ईश्वर का। ऊपर से अपना करते रहो, पाठ है कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं मंदिर में, पुजारी जी देख रहे हैं कौन आ रही है कौन जा रही है। ये प्रहलाद जी ने कहा है, मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा, चाहे सत्संग कर लो चाहे अपने खुद साधन कर लो। कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।